नमस्कार। सभी संस्था चालक और पदाधिकारी, स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, सभी पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ फैक्ट्स अर्थात वस्तुस्थितियों का परामर्श लेंगे, जिससे आप सभी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। फैक्ट वन, स्कूल के हर क्लासरूम में दो तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं। पहले में ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टीचर की सचमुच जरूरत रहती है, दूसरे में ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टीचर्स की कम से कम जरूरत रहती है। यदि हम कुछ एबिलिटीज उनमें डेवलप करते हैं तो वो अपने स्पीड से पढ़कर आगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को खुद के टीचर बनने के लिए हम मोटिवेट करते हैं क्या? फैक्ट टू, हर साल एसएससी बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स पाने वाले लगभग 60,000 स्टूडेंट्स रहते हैं। वो ही स्टूडेंट्स एमएसटी सीएटी जैसे स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो वो 200 में से 190 के ऊपर मार्क्स पाने वाले सिर्फ 15 या 20 स्टूडेंट्स रहते हैं। जी नीट जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम में क्या होता होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। सवाल ये है कि 10वीं का इतना बड़ा टैलेंट 12वीं में कहां जाता है? फैक्ट थ्री, 10वीं को पढ़ाने वाले हमारे जैसे मैथ्स टीचर्स 10वीं के स्टूडेंट्स को सिर्फ कैलकुलेशन पढ़ाते हैं क्या? यदि एक कैलकुलेशन पहले करके लेते हैं तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में सफिशिएंट टाइम जरूर मिलेगा। फैक्ट फोर, बहुत बार एकेडमिक सिलेबस में बदलाव आते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, इन सभी को स्टूडेंट ठीक से फेस कर सकते हैं? दोस्तों, सभी वस्तु स्थितियों का सामना किस प्रकार किया जा सकता है? जहां टैलेंटेड स्टूडेंट अपने स्पीड से पढ़ सकता है, किसी भी तरह का सिलेबस फेस कर सकता है, वो अपने टैलेंट थ्रू आउट लाइफ मेंटेन कर सकता है, टीचर्स कैलकुलेशन के साथ साथ एक्चुअल कंसेप्ट भी स्पेसिफिक टाइम में पूरे कर सकते हैं, इन सभी के लिए कॉम्प्रेहेंसिव आंसर है क्रिएट द स्कॉलर बैच। स्कॉलर बैच की सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं। यदि स्टूडेंट के पास 10वीं का मैथ सीखने के लिए कुछ एबिलिटीज होती है तो कोई भी चैप्टर्स पढ़ाए बिना वो खुद ही पढ़ सकता है। ये हमारा 17 साल का अनुभव है। किसके लिए? जो टीचर के कम से कम गाइडेंस से एबिलिटीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, उसे ही हम टैलेंटेड स्टूडेंट कह रहे हैं। कब स्टार्ट करें? 9th स्टैंडर्ड के दिवाली के बाद या समर वैकेशन में? कैसे? यदि स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड के दिवाली वैकेशन के बाद वीक में 4 घंटा प्रैक्टिस या स्टडी करता है तो अगले 2 महीने में ही 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा ज्योमेट्री का सिलेबस खत्म कर सकता है। एनी स्टडी टूल्स, सेल्फ स्टडी के लिए स्टूडेंट को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से गाइडेंस किया जाएगा। स्कॉलर बैच को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है। थोड़ा सा उसके मेथोडोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। एक 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। सॉल्यूशन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो 3 पार्ट से बना है। ये 3 स्टेप्स, 3 एबिलिटीज है, जैसे पुट वैल्यू एंड फाइंड वैल्यूज इन फॉर्मूला, सॉल्व द इक्वेशन, कैलकुलेशंस। यदि स्टूडेंट इन छोटे छोटे एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करता है तो अल्टीमेटली उसने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल सॉल्व किया है, ये ध्यान मिले। स्कॉलर बैच में हम सिर्फ इन एबिलिटीज की तैयारी करके लेंगे। टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए एक छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इस तरह स्टूडेंट्स 10वीं का पूरा सिलेबस सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी अमेजिंग ट्रिक। लेकिन 10वीं का अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए किन किन एबिलिटीज की जरूरत रहती है? 10th अलजेब्रा के लिए 6 एबिलिटीज, कैलकुलेशन, ऑपरेशन ऑन ब्रैकेट, पुट वैल्यू फाइंड वैल्यूज, सॉल्व द इक्वेशन, हाउ टू फेस फॉर्मूला, सिंबॉलिक फॉर्म।
जिसे हेक्सागोनल थ्योरी फॉर 10th अलजेब्रा कहते हैं। 10 ज्योमेट्री पढ़ने और पढ़ाने के लिए कैलकुलेशन, सॉल्व इक्वेशंस, हाउ टू फेस फार्मूला, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस और बेसिक ऑफ ग्राफ, इन एबिलिटीज की जरूरत रहती है, जिसे हेक्सागोनल थ्योरी फॉर 10th ज्योमेट्री कहते हैं। दोनों में से कुछ कॉमन एबिलिटीज है। कुल मिला के 9 एबिलिटीज यानी क्षमता स्टूडेंट के पास होती है, तो स्टूडेंट खुद ही अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का पूरा सिलेबस खत्म कर सकता है। 10वीं का टोटल सिलेबस प्रीटेक्स्ट बुक्स के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो। प्रीटेक्स्ट बुक 10th अलजेब्रा एंड प्रीटेक्स्ट बुक 10th ज्योमेट्री, ये एक अलग तरह के टेक्स्ट बुक ही है। इस मैजिक टूल से 5वीं का भी स्टूडेंट 10वीं के एग्जाम्पल सॉल्व करेगा। इंटरेस्टेड पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आसानी से पढ़ाएंगे या स्टडी करके लेंगे। इसी प्रीटेक्स्ट बुक्स कोई सॉल्व करता है तो समझ लेना उसने 10वीं के एग्जाम्पल सॉल्व किए। अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड स्टूडेंट के पास ये होने ही चाहिए, क्योंकि ये प्रीटेक्स्ट बुक स्टूडेंट को खुद के टीचर बना देते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं स्कॉलर बेस से स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड के स्टडीज से डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि इन एबिलिटीज से वो 9th स्टैंडर्ड का मैथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे जाके किसी भी स्टैंडर्ड का मैथ पूरी आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं। हर एबिलिटी की तैयारी कैसे की जाए, इसको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे टीचर को पढ़ाना और स्टूडेंट को पढ़ना आसान हो जाएगा। इस स्कॉलर बैच से स्टूडेंट में सेल्फ स्टडी करने की आदत बढ़ेगी और टीचर को एक्चुअल कंसेप्ट सिखाने में बहुत सहजता आएगी। दोस्तों, इस स्कॉलर बैच के लिए स्कूल का रोल क्या रहेगा? मेरे शिक्षक मित्र हो, पहले फेज में कम से कम गाइडेंस से सीख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की बैच बनाओ। इन एवरी वीक सिर्फ 1 घंटा एक क्षमता यानी एबिलिटी आप पढ़ाते हैं तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमें ध्यान में रखना है, हम ट्रेडिशनल वे से सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, हमें सिर्फ कुछ एबिलिटीज बहुत कॉन्क्रीट करनी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा। यदि आपको जरूरत लगती है तो बिगिनिंग में पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए एक इंस्पायरिंग सेमिनार रख सकते हैं, जिससे उनको किस तरीके से काम करना है ये समझ में आ जाएगा। शिक्षक मित्र हो, आप कम से कम एफर्ट से बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं, जिसे हम मिनिमम टीचिंग मैक्सिमम लर्निंग कहते हैं। एवरेज स्टूडेंट इस स्कॉलर बैच का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए उन स्टूडेंट्स को पहले अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाने पड़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट 15 या 20 दिन में हर दिन 3 या 5 घंटा स्टडी करता है तो बहुत सहजता से बेसिक कॉन्सेप्ट की उसकी तैयारी हो जाएगी। अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए सिर्फ 3 पार्ट्स, वैसे ही ज्योमेट्री के 6 पार्ट्स। जो भी स्टूडेंट अच्छा बनाएगा वो अलजेब्रा ज्योमेट्री का मास्टर बनेगा। जिस दिन कोई भी कम से कम गाइडेंस से सेल्फ स्टडी करता है तो वो स्कॉलर बैच का जरूर हिस्सा बनेगा, उसे ही हम टैलेंटेड स्टूडेंट कहते हैं। एक सुझाव, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पहले फेज में टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए स्कॉलर बैच कंडक्ट कीजिए, दूसरे फेज में एवरेज स्टूडेंट के लिए। इससे आप एवरेज स्टूडेंट की ओर ज्यादा ध्यान देके अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो, क्योंकि पहले फेज के स्टूडेंट को अब आपकी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। आप सभी के मन में एक डाउट रहेगा, 2018 में 10th स्टैंडर्ड SSC बोर्ड का सिलेबस चेंज होने वाला है, तो इस स्कॉलर बैच का कितना फायदा रहेगा? सिलेबस कितनी बार भी बदले, लेकिन मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते। और इन 10वीं के स्कॉलर बैच में हम क्षमताएं अर्थात एबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे 8th 9th को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही आसान हो जाएगा।
अभी तक हमारे पास 10th स्टैंडर्ड के नए सिलेबस के बुक्स अवेलेबल तो नहीं है, तो इस तरीके से पढ़ाने से बेहतर कौन सा मार्ग हो सकता है? आपको सिर्फ इतना ही करना है, sanadirajpublications.com इस वेबसाइट पे जाके आप हेडमास्टर है तो अपने स्कूल का, आप शिक्षक है तो खुद का और अपने स्टूडेंट का सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इंडिपेंडेंटली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जल्दी ही महाराष्ट्र 10th स्टैंडर्ड स्कॉलर बैच ये एंड्रॉइड ऐप आने वाला है, उसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जल्दी ही रजिस्ट्रेशन कीजिए, स्कॉलर बैच पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, रजिस्ट्रेशन भी मुफ्त में होगा। सन अधिराज पब्लिकेशंस और बेसिक्स ऑफ मैथ्स बाय रवि भरे, इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। अधिराज पब्लिकेशंस इस फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों, आपने खुद के टीचर बनने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास से सेल्फ स्टडी करने की आदत मजबूत करने के लिए इस स्कॉलर बैच का हिस्सा बनिए। मिलते रहेंगे बोर्ड एग्जाम की इसी राह पर, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।